जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बलिवेश महायज्ञ, बलिवेश प्रक्रिया अपनाएं, घर घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाएं, परिजनों में संस्कार जगाएं। इन पांच मंत्रों के साथ भावना पूर्वक पांच आहुतियां अर्पित करें। ये जो गायत्री मंत्र दिए गए हैं, इनके साथ में पांच आहुतियां भी लिखी हुई है। भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करें, यज्ञ भावना से अनुप्राशित अन्न ही खाएं। ये पांच आहुतियां नियमित रूप से जब हम भोजन बनाते हैं तब इनकी अग्नि देवता को जिमाते हुए पांच आहुतियां नियमित रूप से दी जाती है। यह गायत्री परिवार की जो पूजन सामग्री की दुकान होती है वहां पर ही इस तरीके के पात्र मिल जाते हैं। यह लोहे के, पीतल के या तांबे के पात्र मिलते हैं। यह पात्र जब हम अग्नि पर रखते हैं, गैस के ऊपर रखते हैं, तो इसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है गैस चालू करने पर। इसके अंदर हवन कुंड के अंदर ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हमें नियमित रूप से जो हम भोजन बनाते हैं उसी भोजन को अलग से कुछ नहीं लेना है। भोजन रोटी या चावल या मिष्ठान जो भी हमने घर में बनाया है, घी और गुड़, बस यही सामग्री हमें इसमें आहुतियां, पांच आहुतियां नियमित रूप से दी जाती है। यह हवन कुंड अगर जिसके घर में नहीं हो तो वे लोग जो ये गाय का उपला होता है जो हम पुराने समय से देखते आ रहे हैं, गाय के उपले को भी हम जैसे ही गैस पर रखते हैं और गैस चलाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसके ऊपर भी हम पांच आहुतियां नियमित रूप से दे सकते हैं। यह आहुतियां देने का मेन मकसद यही है कि ये एक तो घर में आध्यात्मिक और शुद्ध वातावरण बनता है, और जो भोजन हम बनाते हैं, जो भोजन हम करते हैं, उसे सबसे पहले सभी लोगों के घर में उसे भगवान को भोग लगाया जाता है और अग्नि देवता को जिमाया जाता है। यह प्रक्रिया वर्षों से हम अपनाते आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए गैस को पहले से इसे जलाना है ताकि पात्र थोड़ी सी देर के लिए गर्म हो जाए। यदि आप गाय के उपले पर भी करते हैं तब भी यह प्रक्रिया इसी तरीके से करनी है। घर की महिलाएं हमेशा नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर जब हम भोजन बनाते हैं, यह प्रक्रिया हमेशा स्नान के बाद जब हम भोजन भगवान को भोग लगाते हैं तभी करनी चाहिए। बिना स्नान करे नहीं करनी चाहिए। घर की महिलाएं हमेशा सिर ढक कर, पल्लू से या चुन्नी से सिर ढककर ही इस प्रक्रिया को करें। इसके लिए जब हम आहुतियों के लिए तैयार करते हैं तो जो रोटी है इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े, रोटी की बजाय हम चावल या मिष्ठान जो भी हमारे घर में बना है वो हम इसमें ले सकते हैं। बस सब्जी जो प्याज लहसुन वाला होता है वो भोजन हमें आहुतियों में कभी भी नहीं देना चाहिए। इन रोटी के टुकड़ों के साथ में यह हम चावल भी ले सकते हैं और घी, और इसमें हम थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे और इससे मिश्रण को इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरीके का हमने मिश्रण तैयार कर लिया है। अब हमें आहुतियां देनी है जो लिखी गई है उसके अनुसार। ये आहुतियां पांचों दी गई है, जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्माणे इदं न ममाह। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं देवेभ्यो इदं न ममाह। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ऋषिभ्य इदं न ममाह। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नरेभ्य इदं न ममाह। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भूतेभ्य इदं न ममाह। इस तरीके से हमारी पांच आहुतियां पूर्ण होती है। और जैसे ही हमें इसमें आहुति देते हैं, ये पात्र गर्म होता है तो इसमें हवन कुंड के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसके पश्चात हमें पांच आहुतियां देने के पश्चात हमें तीन बार आचमन करना है। इस तरीके से तीन बार हमें जल छोड़ना है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, यह हम हमारे मैं अपने बचपन से अपने घर में भी देखती आ रही हूँ, अपने ससुराल में भी देखी है। यह पुराने समय से अग्नि देवता को जिमा कर ही सबको भोजन दिया जाता है। अग्नि देवता
भोक्ता हमें भोजन प्रदान करते हैं, भगवान हमें भोजन प्रदान करते हैं, ये सिर्फ एक धन्यवाद है कि आपने हमें इतना अच्छा भोजन दिया है हमारे जीवन यापन के लिए। तो भगवान को सिर्फ एक धन्यवाद है ये हमारी ओर से, और हमारा जो भी भोजन बनता है उसे आप शुद्ध करें और हमें अच्छे संस्कार और धार्मिक संस्कार हमारे घर में हमारे अंदर हमें पैदा करें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।